نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم عزیزو دوستو اللہ تبارک و تعالی شانہو نے ہم سب کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور اسلام اس دنیا میں کسی انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہر طرح کا سکھ آرام اور ان کے نفع کا سامان فرمایا ہے۔ اسلام سے پہلے اس دنیا میں نہ امن تھا نہ سکون تھا، نہ انسانوں کو انسانی حقوق حاصل تھے، قومیں قوموں کی غلام تھیں، قبیلے قبیلوں کے غلام تھے، افراد افراد کی ملکیت کے اندر داخل و شامل سمجھے جاتے تھے، کسی انسان کو کسی مذہب کو کسی ضمیر کو کسی عقیدے کو اور کسی شخص کو اس دنیا میں آزادی حاصل نہیں تھی۔ سب لوگ رسوم رواج اور خاندانی قبیلی علاقائی لسانی عصبیتوں کی قید میں گرفتار اور زار و نزار تھی پوری دنیا۔ یہ صرف اسلام کے ماننے والوں کی اپنی خوش فہمی نہیں ہے یا اسلام کے تئیں ہماری اپنی جانبداری نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ پر جس کی بھی نظر ہو، وہ 1500 برس پہلے اس زمین پر بسنے والی انسانیت کی حالت کو دیکھ سکتا ہے اور تاریخ میں اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ انسانیت بلک رہی تھی، سسک رہی تھی، کوئی اس پر رحم کھانے والا بھی نہیں تھا۔ انسان بیچے جاتے تھے، انسان خریدے جاتے تھے، انسان کرائے پر دیے جاتے تھے، انسانوں کے ذریعے کمائی اور شکم پروری کی جاتی تھی، انسانیت کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا۔ یورپ یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کو آزادی یورپ نے دلائی، انسانوں کو حقوق یورپ نے دلائے، انسانوں کو تمام کے تمام حقوق کا حاصل ہونا وہ یورپ کا احسان ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یورپ کی خوش فہمی ہے یا انسانیت کو دھوکہ دینے کا انداز ہے۔ اس نے پروپیگنڈے کا سہارا لیا ہے، تشہیر کو اپنا اصول بنایا ہے۔ جھوٹ بات بھی اگر بار بار کہی جاتی ہے تو سننے والوں کے ذہن میں اس کے سچ ہونے کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پروپیگنڈے کے ذریعے یورپ نے دنیا کو یہ باور کرانا چاہا کہ انسانی حقوق کا کام ہم نے شروع کیا، نسوانی حقوق کو آزادی دلانے کا کام ہم نے شروع کیا، مزدوروں کو حقوق ہم نے دلائے، جانوروں کو حقوق ہم نے دلائے، ساری چیزوں کو اس نے اپنی جانب منسوب کیا اور اس جھوٹ کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ دنیا ایسا سمجھنے لگی
हद ये है कि सारी दुनिया के हालात और अहवाल पर कुरान करीम की बरकत से नजर रखने वाले मुसलमान भी ये समझने लगे। हालांकि कुरान करीम ने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तारीख पेश करना शुरू कर दी इंसानियत के सामने, ताकि पूरी इंसानियत की तारीख मुसलमानों के यहाँ महफूज रहे। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम की आफरीनश, उनकी पैदाइश, पैदाइश से माकबल के हालात से तारीख के इशारे दिए हैं, इसलिए कि कुरान तारीख की तफसील की किताब नहीं है, कुरान तो सिर्फ इशारों की किताब है। इसलिए माकबल तख्लीक आदम से अल्लाह ने तारीख का इशारा मुसलमानों को दिया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का बयान, फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होने के बाद जो दुनिया के हालात हुए, अहवाल हुए, उसका बयान सब अल्लाह ताला ने दर्जा बदर्जा देते हुए खातमुन्नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने पर अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए अपनी नेमत के इतमाम और तकमील का ऐलान फरमाने तक दुनिया क्या थी और क्या से क्या होती रही, अल्लाह ने इसके इशारे कुरान में दिए। और जितनी तारीख इंसानियत के पास महफूज है, उस तारीख को अगर गौर से देखा जाए, उसमें से हकायक की मोतियां चुनने का काम किया जाए, तो यकीनन ये बात समझ में आएगी कि दुनिया को अगर आज़ादी और हुकूक मिले हैं तो वो पैगंबरों के ज़रिए से मिले हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के सदक़े में मिले हैं, और ख़ातमुन्नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो ये दुनिया तबाही, बर्बादी, बदअख़लाक़ी, बदनज़मी, अनारकी और आवारगी के उस सतह पर थी कि उससे ज्यादा बदतरीन सतह का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ऐसे वक्त हुजूर तशरीफ लाए और आपने इंसानियत को इंसानियत का वो ऊंचा मकाम दिखाया और अता फरमाया कि उससे ज्यादा इंसानी आज़ादी और उससे ज्यादा इंसानी शराफत की मेराज का तसव्वुर सोचा नहीं जा सकता। ये हकीकत है, ये जानिबदारी और तासुब नहीं, ये हकीकत है। इस हकीकत पर हर हकीकत भी निगाह ने नजर डाली है और हर हकीकत के बयान करने वाले जबान और कलम ने गवाही दी है और शहादत दी है, चाहे उसका ताल्लुक इस्लाम से हो, यहूदियत से हो, ईसाइयत से हो, हिंदुइज्म से हो, और उसका चाहे ताल्लुक दुनिया के किसी भी मजहब से हो। अगर उसका कलम सच बोलना जानता है, अगर उसकी जुबान सच बोलना जानती है, अगर उसका ध्यान और उसका दिमाग सच को मानने वाला है, तो उसने सच्चाई को पेश किया है और सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई ऐसी हकीकत है जिस पर पर्दे नहीं डाले जा सकते। सच्चाई एक ऐसी हकीकत है जिसको छुपाया नहीं जा सकता। वह खुद ब खुद सामने आती है और वह खुद ब खुद अपना कमाल दिखाती है और लोगों से अपनी वाकईयत का लोहा मनवाती है। ये सच्चाई में कमाल है, सच्चाई दबने वाली चीज में। जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन अल बातिल कान ज़हूका, हक आया तो हक की बरकत से बातिल वो सरनगू हुआ और बातिल अपने आप को छिपा लिया, पर्दापोश हो गया। और बातिल को तो ये होना चाहिए क्योंकि उसकी फितरत है, लेकिन हक की ये फितरत नहीं, मस्तूर नहीं होता, हक महजूब नहीं होता, हक पर्दापोश नहीं होता, हक को छुपाने की कोशिश कामयाब नहीं होती, वो यकीनन सामने होती। इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बताया कि मजदूरों को क्या हुकूक मिलने चाहिए, मजदूरों के ऊपर जुल्म करने वालों से मजदूरों को आजादी दिलाई, इंसानों पर जुल्म करने वालों से इंसानों को आजादी दिलाई, औरतों पर जुल्म करने वालों से औरतों को आजादी दिलाई, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हैवानों पर, जानवरों पर, परिंदों पर जुल्म करने वालों और चींटियों पर जुल्म करने वालों से भी उनको आजादी दिलाई। जब आप तशरीफ लाए तो चींटियां अपनी बिलों में और मछलियां अपने पानी के अंदर और परिंदे हवाओं फजाओं में और दरिंदे जंगलों और अपनी रहाइश गाहों में और तमाम के तमाम चौपाए और जानवर और इंसान सब लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया कि जुल्म व सितम का दौर दौरा अब खत्म हो जाएगा,
इंसाफ का बोल बाला होने लगेगा। सबको तब इत्मीनान मिला तब इमाम अल अंबिया एवल मुरसलीन खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में रौनक अफरोज फरमाया। यही वजह है कि फारिस की आग जो हजार बरस से जल रही थी आपके तशरीफ लाने वाले दिन यानी आपके दुनिया में रौनक अफरोज होते ही बुझ गई। और कैसो किसरा के जुल्म व सितम के महलात में आपके पैदाइश के दिन अल्लाह ने जलजला और भूचाल भेज दिया जिससे उनको भी पता चला और खबर लग गई कि अब जुल्म व सितम के दिन ज्यादा दिन नहीं रह गए, अब तो इंसाफ का बोल बाला होगा और हक ऊंचा होगा और बातिल का मुंह काला होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की घड़ी दुनिया ने इसको समझा। जो लोग तजर्बे से जानते थे वो तजर्बात की रोशनी में, जिन लोगों को नजूम का कुछ इल्म था वो नजूम की रोशनी में, और जो लोग कहानत से वाकिफ थे वो अपने कहानत की इल्म की रोशनी में, और जो लोग ईसाई तालीमात से बाखबर थे उन्होंने तौरात और जबूर और इंजील की रोशनी में, और उस वक्त तक की सच्चाई इंजील ही थी, उसकी रोशनी में उन लोगों ने सब ने माना सब ने समझा कि वो दुनिया को नजात देने वाला तशरीफ लाया हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजात दहिंदे इंसानियत हैं। मुसलमानों को ये बात माननी चाहिए, मानने के लिए इल्म हासिल करना चाहिए और जानना चाहिए कि इस दुनिया को दरअसल आजादी की नेमत देने वाली सबसे पहली हस्ती और सबसे पहली शख्सियत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उन्होंने ही सिखाया उन्होंने ही बताया। वरना लोग ये समझते थे कि ये इतना कमीना है कि ये कभी ऊंचा नहीं हो सकता, ये जात ही ऐसी है कि इस जात को कभी इज्जत नहीं मिल सकती, और ये इतना ऊंचा है कि ये कभी जलील नहीं हो सकता। ये जात अपनी सरिश्त अपनी तखलीक और अपनी पैदाइश के एतबार से इज्जत की जात है, इसको जिल्लत कभी नहीं हासिल हो सकती। लोगों ने इंसानों को तकसीम कर दिया था, दुनिया में इंसानियत को मुख्तलिफ जुमरों में बांट दिया गया था, और यही हर जगह का निजाम था। यूरोप में भी यही निजाम था, औरत को तो एक नागुजीर पाप समझा जाता था, यानी वो है भी एक गंदी चीज मगर होनी भी जरूरी है ये समझा जाता था। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने इस निजाम को खत्म कर दिया। ये गैर आदिलाना निजाम था, ये जालिमाना निजाम था, इसको आपने खत्म कर दिया। आप अल्लाह की तरफ से पैगाम लाए, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ذिल कुरबा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह इंसानों को हुक्म देता है, अल्लाह मुसलमानों को और तमाम दुनिया के बसने वालों को हुक्म देता है अदल का, एहसान का, और मना फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को जुल्म से, ज्यादती से, मुनकर और फहशा के कामों से। यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तुम्हें ताकीद कर रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये ऐलान लेकर आए और ये पैगाम लाए, और इसी की बरकत थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन ने और आपकी लाई हुई शरीयत ने आज तक भी इंसानियत को हुकूक की बात कहने की जुरत अता की है। वरना आपसे पहले दुनिया में कोई हक मांगने के लायक भी नहीं था, हक मांगना भी जुर्म था दुनिया में। आप तशरीफ लाए तो आपने दुनिया वालों को हक मांगने का हक अता फरमाया कि वो हक मांग सकते हैं, हक के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं, हक के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं, अपना जायज हक वसूल करने के वास्ते अपनी सबसे कीमती मता जाने अजीज को भी कुर्बान कर सकते हैं, और इस करने पर उनको अजर सवाब का हौसला दिया गया। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिम्मतें दिलाई। आप देखिए, सारी दुनिया में किसी मजहब और किसी तहजीब में हुकूक के लिए जान को पामाल करने वाले को खुशखबरी देने, एजाज देने और उसे तमगा अता करने के लिए दुनिया की तमाम लुगतों में कोई जुबान कोई ऐसी ताबीर नहीं है जो ताबीर अरबी जुबान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में अता फरमाई, शहादत और शहीद होने की।
हर जबान इसी लफ्ज को इस्तेमाल कर रही है और इसी ताबीर से उन लोगों को खराज तहसीन पेश कर रही है जिन्होंने हुकूक के हुसूल के लिए जान की कुर्बानी दी। किसी लुगत में इससे बेहतर लफ्ज नहीं। इसीलिए यही लफ्ज अपने भी इस्तेमाल करते हैं, पराए भी इस्तेमाल करते हैं, अपनों के लिए भी हो रहा है, परायों के लिए भी हो रहा है। ये लफ्ज अगरचे इस्लाम ने खास पस मंजर में और खास शक्ल और सूरत में खास हुकूक के साथ मुसलमानों को अता फरमाया है, लेकिन आप कहते हैं यौमे शहीदाने पुलिस, यौमे शहीदाने मजदूर, यौमे शहीदाने कौम, ये आप मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता हुआ लफ्ज देखते हैं, तो ये लफ्ज हर जुबान के लिए एक ऐसा वाहिद लफ्ज बन गया जिसके अलावा कोई लफ्ज भी पेश करने की गुंजाइश उनकी जुबानों में तक मौजूद नहीं। ये अल्लाह तबारक तआला शानहू की तरफ से इंसानों को दिया गया इम्तियाज है, ये इंसानों को दिया गया हक आजादी है कि वह अपने हुकूक को हासिल करने के लिए अपनी सबसे कीमती पूंजी जान को भी कुर्बान कर सकते हैं। ये इस्लाम का दिया हुआ फलसफा है और ये इस्लाम की दी हुई आजादी है। इसी आजादी के बाद लोगों को आजादी मांगने का हौसला मिला, इसी आजादी के बाद लोगों को आजादी हासिल करने का शऊर मिला और उसकी समझ अता हुई है। ये सबसे पहला दौर है इंसानों को आजादी दिलाने का इस दुनिया के अंदर और इस धरती के ऊपर सबसे पहला दौर है। इससे इनकार नहीं कर सकते और इसके चश्मपोशी की किसी को गुंजाइश नहीं। फिर सारी दुनिया में मुसलमानों ने इस्लाम की इन्हीं तालीमात की बदौलत और इस्लाम की और कुरान की इन्हीं हिदायात की बदौलत जहां जहां मुसलमान रहे वहां वहां मुसलमानों ने हक आजादी को कायम और नाफिस किया। जहां मुसलमान रहे वहां जमीर की आजादी, मजहब की आजादी, जबान की आजादी, हर जगह मुसलमानों ने इस्लाम की बदौलत अता की। जहां मुसलमान इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे हैं वहां हो सकता है इसकी खिलाफ वर्जी हो रही होगी, लेकिन जिस मुल्क और ममलकत में मुसलमान इस्लाम की रोशनी में अमल पैरा हैं वहां पर ऐसी कोई मजालिम की दास्तान या तारीख बताई नहीं जा सकती। झूठ बोला जा सकता है मगर सच्चाई पेश नहीं की जा सकती। जहां इस्लाम नाफिज हो, जहां इस्लाम हुक्मरान हो, जहां इस्लाम की हुकूमत हो रही हो, वहां हक तलफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां पर हर एक को उसका हक दिया जाता है, हर एक का हक अदा करना इस्लाम सिखाता है और ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम ने हुकूक कैदियों को दिए, इस्लाम ने हुकूक मुजरिमों को दिए, इस्लाम ने हुकूक जानवरों को दिए, तो इस्लाम इंसानों को और शरीफों को और हक परस्तों को हुकूक कैसे नहीं दे सकता है। इस्लाम ने सबको अपने अपने हुकूक दिए और उन हुकूक के हासिल करने का भी उनको हक दिया इस्लाम ने। इसलिए इस्लाम जहां जहां मुसलमान इस्लाम के साथ कायम रहे, उन्होंने जिद्दोजहदें की, उन्होंने फतूहात की, उन्होंने जहांगीरी का काम किया, उन्होंने इस्लामी हुकूमतों के तूल अर्ज को बढ़ाने और फतूहात की मेहनतें की, कुर्बानियां दी और इस्लामी ममलकत को निसफ दुनिया के ऊपर इस्लाम का परचम लहराया, मगर जब तक वो इस्लाम को थामे हुए रहे उन्होंने किसी मजहब पर जुल्म नहीं किया, किसी इंसान पर जुल्म नहीं किया, किसी के हक को पामाल नहीं किया, हर एक का हक अदा किया। जब किया तो इस्लाम के बरखिलाफ किया, इसलिए इस्लाम पर इस सिलसिले में हर्फ गिरी नहीं की जा सकती। इस्लाम ने इस्लाम पर जब तक चलते रहे और कायम रहे किसी की हक तलफी नहीं। आज भी अगर इस्लामी हुकूमत हो और इस्लाम के कानून की रोशनी में किसी ममलकत में हुकूमत की जा रही हो तो वहां पर किसी मजहब के मानने वाले पर जुल्म नहीं हो सकता। वहां हर शख्स अपने मजहब की आजादी के साथ रह सकता है, वहां पर हर शख्स अपने मामलात के साथ रह सकता है। इस्लाम कहता है शराब पीना हराम है, लेकिन इस्लाम मुसलमानों के लिए शराब की खरीदो फरोख्त को हराम करार देता है। इस्लामी अदालत मुसलमान शराब का कारोबार करे या पिए या पिलाए तो उसको सजा देता है। हद यह है कि इस्लामी निजाम अगर मुसलमान शराब को हाथ में लेकर दूसरे के सामने रखे तो इस पर भी उसको सजा देता है, लेकिन अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई मुआहिद गैर मुस्लिम जिम्मी शराब का कारोबार करता है तो इस्लाम उसको सजा नहीं देता, क्योंकि उसने उसको मजहब की आजादी दे के रखी।
ये मजहब की आजादी देकर रखी हुई है इस्लाम ने। ये इस्लाम का कानून बहुत तफसील के साथ, अगर मुसलमान इस्लाम को जान ले तो इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियां हैं वो खुद ब खुद पहले मुसलमानों में से खत्म हो जाएगी। खुद मुसलमानों के अंदर इस्लाम के बारे में गलत फहमियां हैं इल्म न होने की वजह से, जानकारी न होने की वजह से, और जिहाद का गैर इस्लामी तस्वुर आम हो जाने की वजह से, और उसके बारे में गलत फलसफे के प्रोपेगंडे की वजह से मुसलमान खुद भी अपने तई ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसानियत के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। नऊज़ु बिल्लाह। इस्लाम वो पहला मजहब है जिसकी आवाज ने सबसे पहले दुनिया को हुकूक की बात सिखाई, हुकूक का शुऊर दिलाया और हुकूक की आजादी दिलाई। सबसे पहले इस्लाम की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद ही इसकी अगर तारीख आजादी बनाई जाए तो सबसे पहला नाम आप ही का हो सकता है, सबसे पहली तहरीक आप ही की हो सकती है, सबसे पहली कुर्बानियां आपके चाहने वालों ही की हो सकती हैं, और उससे बगैर, उससे पहले किसी का सिफर का दर्जा है, उससे पहले कुछ नहीं है, सबसे पहले आपकी जात और आपकी मेहनत और आपकी कोशिशें। इस मुल्क के अंदर भी मुसलमानों ने इस शऊर को सबसे ज्यादा अता किया है, सबसे ज्यादा यह शऊर अता किया है। अंग्रेज तो दुश्मन थे उन लोगों को जो हालात का सामना पेश हुआ करना पड़ा है, और जिन हालात से अंग्रेज गुजरे हैं, जो कुछ उन्होंने देखा है उन्होंने उसे कलमबंद किया है, तारीख में महफूज है। अब तारीख में से उसको निकालने, मिटाने, हटाने की कोशिशें की जाएं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी खत्म तो नहीं किया जा सकता, हमेशा के लिए इसको महव तो नहीं किया जा सकता। तारीख में अंग्रेजों ने जो कुछ देखा उसे महफूज किया है, उनकी आंखों के सामने ये बात है। उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा है कि मुसलमान जब मुसलमानों के सामने अंग्रेज के खिलाफ नफरत बर्पा करने की बात कहता है तो वो इतनी स्पिरिट और कुव्वत से कहता है कि कोई और मजहब अपने मानने वालों के सामने लोगों में इस कदर बरअंगेख्तगी और वालेहाना शौक नहीं पैदा कर सकते थे अंग्रेजों के बरखिलाफ जितना मुसलमानों ने उनकी कौम में पैदा किया। सबसे ज्यादा मुतासिर हुए इस मुल्क की जमीन को आजाद कराने के सिलसिले में मुसलमानों का माल और मुसलमानों की जान। आप तारीख से बाखबर होने की कोशिश करें कि जितने नवाब थे अवध में, लखनऊ में, यूपी में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, और जहां जहां मुसलमान नवाब थे उस इलाके के अंदर, बिलखसूस उस इलाके में चूंकि ये अमली जिद्दोजहद चली थी तो उस इलाके के तूल और अर्ज में जितने नवाब थे, मालदार थे, मुसलमान थे, या तो वो अंग्रेजों के चाहने वालों में से थे या फिर उनके मुखालिफिन में से थे। जो उनका मुखालिफ था वो नवाब बरकरार नहीं रहा, मालदार बरकरार नहीं रहा, बड़े बड़े दौलतमंद जिनके दरवाजों से हजार हजार लोगों को दादो दहश मिलती थी, जिनकी औरतें इतनी सखी थीं कि उनकी सखावत के चर्चे पूरे मुल्क के अंदर होते थे, उन औरतों को भीख के प्याले लेकर घर घर जाकर रोटी मांग कर खाने पर मजबूर होना पड़ा, इसी जिद्दोजहद आजादी में उनकी दौलतों के छिन जाने की वजह से। करक कर ली जाती थी अंग्रेज सरकार की तरफ से मुसलमान मालदारों की दौलतें, मुसलमानों की दौलतें, नवाबों की दौलतें, सब की सब करक। जिसका ताल्लुक मालूम हुआ कि फुलां मुजाहिद आजादी के साथ है, जिसका ताल्लुक मालूम हुआ कि फुलां के साथ है, बस खत्म, उसकी दौलत पे कब्जा कर लिया गया, वो भीख मांगने पे मजबूर हो गए। वो औरतें जो घर में शराफत के साथ जिंदगी गुजारती थी, जिनकी मांग पर दुनिया में उनके नौकरों की तक नजर नहीं पड़ी थी, वो औरतें फटी पुरानी बरहना हाल बाजारों में घूमने पर मजबूर कर दी गई थी। इस मुल्क की आजादी के लिए मुसलमान ने किसी से कम कुर्बानी नहीं दी, किसी से कम कुर्बानी नहीं दी, लेकिन मुसलमान का जिक्र कहीं नहीं, ना अखबारों में है, ना किताबों में है, ना स्कूलों में है, ना जलसों में है, ना आजादी की मसरतों और उसके जश्नों में है, कहीं भी मुसलमान का जितना जिक्र होना चाहिए नहीं है। उसकी वजह दूसरे कोई नहीं है, उसकी वजह मुसलमान है कि खुद मुसलमान को भी तलाश है कि वो जाने कि उसकी तारीख क्या है,
جس قوم کی نظر اپنی ماضی پر نہیں ہے اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا، وہ قوم آگے ترقی کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتی، اس کا حال بھی تباہ ہوگا، اس کا مستقبل بھی برباد ہوگا جس کو اپنی ماضی کی خبر نہیں. ہمیں اپنی ماضی سے باخبر ہونا چاہیے، واقف ہونا چاہیے کیسے کیسے مظالم سہے گئے ہیں ہمارے اسلاف کی طرف سے، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں، کس قدر ان کے قدم مضبوط رہے ہیں اور کتنے استحکام اور ثبات کے ساتھ انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی محبت، وفاداری اور جان نثاری کا ثبوت پیش کیا ہے، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. وہ تاریخ اردو زبان میں محفوظ ہے، انگریزی زبان میں محفوظ ہے، لوگوں کے پاس فرصت نہیں، مسلمانوں کے پاس فرصت نہیں ہے. اگر فرصت ہو تو مسلمانوں کو معلوم ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے فرصت نکالیں. صرف واویلا مچانا، رونا اور مظالم کی شکایتیں کرنا یہ تو مایوس قوم کا کام ہے، یہ نہتی قوم کا کام ہے، یہ صلاحیتوں سے بالکل بیکار ہو جانے والی قوم کا کام ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں اور شانہ بشانہ اس ملک میں رہیں، اپنے جائز حقوق کو سمجھیں، اپنی قربانی کی تاریخ کو پڑھیں اور اس سے باخبر ہوں، اور آپ جانیں کہ ہمارے پاس خود اسلام میں اپنے زمین کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ محبت کا کیسا نظام ہے اور اس کے لیے قربانیاں کس طرح دی جاتی ہیں اور دی گئی ہیں. ہماری قربانیاں دینے والوں میں سب سے زیادہ تعداد علماء کرام کی ہیں، اور ان لوگوں کی جو اپنے زمانے کے نامی گرامی علم رکھنے والے تھے، قرآن حدیث کے ماہر تھے، مفسرین و محدثین تھے، فقہا تھے، بڑے بڑے علماء تھے اور بڑے بڑے صاحب طریقت مشائخین کرام تھے. ان لوگوں نے یوں ہی انجانے میں یہ سب کام نہیں کیا، بلکہ وہ اس کو نہ صرف قومی حق سمجھتے تھے بلکہ مذہبی فرض بھی سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے آپ کو اپنا مال لگایا، ہر طرح کی اذیتیں اٹھائیں. کالا پالی بھیج دیا جانا ایک سزا تھی اس زمانے کے اندر. اس زمانے میں کالا پانی بھیج دیا جانا انگریزوں کی ایک سزا تھی، جو جزیرہ انڈمان میں بھیج دیے جاتے تھے. وہاں پر کیا تھا، ہر طرح کا ظلم تھا، ہر طرح کی مشقتیں دیں، ہر قسم کی تکلیفیں تھیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ جو اپنی خانقاہوں میں اور اپنی قیام گاہوں میں، اپنے مسجد کے محراب و منبر میں قدم چومے جاتے تھے، وہ جزیرہ انڈمان میں جانے کے بعد انگریزوں کے بیت الخلاء دھونے پر مجبور کیے جاتے تھے. وہاں پر ان لوگوں کو سڑکوں پر جھاڑو لگانی پڑتی تھی، وہاں ان لوگوں سے مزدوروں اور بیلوں کی طرح کام لیا جاتا تھا، وہ اس کو گوارا کرتے تھے. ہر قسم کی اذیت انہوں نے سہی، ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن ایک ہی بات ان کے سامنے تھی اور ایک ہی نعرہ ان کا تھا کہ وہ اس ملک سے جو باہر سے آئے ہوئے ظالم حکمراں ہیں وہ چلے جائیں اور ملک والوں کو مل جانا چاہیے. یہ ملک والوں کو مل جانا چاہیے. ان کے درمیان نفرتیں نہیں تھیں، وہ مسلمانوں کے لیے یہ جد و جہد نہیں کر رہے تھے. اگر مسلمان علماء و مشائخ مسلمانوں کے لیے یہ جد و جہد کرتے تو آزادی کے بعد وہ حکومت میں گھس پٹنے کی کوشش کرتے تھے. انہوں نے اپنے دامن کو بے داغ رکھا، انہوں نے اس سلسلے میں اپنے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے مخلصانہ طور پر اس ملک کی ہر قوم کے لیے اپنی قربانی دی تھی، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر اپنے آپ کو علیحدہ کر کے انہی کاموں کو پسند کر لیا جو ان کا پہلے سے کام تھا، اللہ کے دین کی حفاظت اور قرآن و حدیث کی اشاعت اور اس کی دعوت و تبلیغ، بس اسی کام کو اپنے لیے دوبارہ پسند کر لیا. انہوں نے ملک آزاد ہونے کے بعد ملک میں اپنے حصے داری ساجے داری کی بات نہیں، حالانکہ ملک چھینا گیا تھا مسلمان حکمرانوں سے اور بہادر شاہ ظفر سے، لیکن بعد میں انہوں نے نہیں کہا ملک ہم سے چھینا گیا تھا ہمیں ملنا چاہیے، کبھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے قربانیاں اس ملک کے باشندگان کے لیے دی ہے، اس ملک کی ہر قوم بسنے والی ہر قوم کے لیے ہم نے دی ہے، اور اس کے بعد ہمارا کام ختم، اب حکومت کوئی کرے اور کسی طرح. یہ صرف یہ ایک مطالبہ مسلمان کا تھا کہ حکومت ایسی ہونی چاہیے جس حکومت میں اس ملک کے ساتھ محبت رکھنے والے ہر انسان کو اس کا پورا حق ملنا چاہیے. بس ایک ہی مانگ اور ایک ہی مطالبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے. بس
इसके अलावा कोई मांग मुसलमानों ने नहीं की। और मुसलमान आज तो जिस तरह भी रह रहे हैं रह रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़े ईसार हैं। इस्लाम ये तसव्वुर देता है कि आजादी इंसान का पैदाइशी हक है, मुसलमान ही का नहीं, इंसान का पैदाइशी हक है। जो भी इस दुनिया में पैदा होता है उसका पैदाइशी हक है कि इस दुनिया में उसको जबान की आजादी, मजहब की आजादी, अकीदे की आजादी मिलनी चाहिए और जमीर की आजादी मिलनी चाहिए। इसी हिंदुस्तान के नाम वर सपूत बहुत बड़े आलिम दीन और इस मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमत करने वाले और इस मुल्क के पूरे आलम में एजाजी सफीर, जिन्होंने इस मुल्क की तहजीब का पूरी दुनिया के अंदर तआरुफ कराया और इसका नाम बुलंद किया, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके जद्द अमजद मौलाना इस्माइल शहीद और सैयद शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैहि माने सबसे पहले जिद्दोजहद आजादी का नारा बुलंद किया और उसकी बात चलाई थी, उनके अंदर भी ये चीज थी कि वो इस मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देते। अखीर जमाने में नहायत मुतफक्किर और नहायत ही परेशान हो गए कि जो हालात बदलते चले गए, उन हालात की रोशनी में हैदराबाद ही में आजादी की तहरीक से मुताल्लक एक जलसे आम को खिताब करते हुए आपने एक जुमला फरमाया था और वो जुमला 1000 तकरीरों के मुकाबले में गौर करने के लिए बहुत बड़ी दावत है और बहुत बड़ा जो है मवाद और मजमून है। आपने फरमाया था कि 100 बरस की मुसलसल कुर्बानियों के बाद इस मुल्क की सरजमीन को, इस मुल्क के तमाम मजहब के दिल दर्दमंद दिल रखने वाले कायदीन ने मिलजुल कर आजाद करा लिया, लेकिन मुल्क की जमीन आजाद हो नहायत ही परेशान हो गए कि जो हालात बदलते चले गए, उन हालात की रोशनी में हैदराबाद ही में आजादी की तहरीक से मुताल्लक एक जलसे आम को खिताब करते हुए आपने एक जुमला फरमाया था और वो जुमला 1000 तकरीरों के मुकाबले में गौर करने के लिए बहुत बड़ी दावत है और बहुत बड़ा जो है मवाद और मजमून है। आपने फरमाया था कि 100 बरस की मुसलसल कुर्बानियों के बाद इस मुल्क की सरजमीन को, इस मुल्क के तमाम मजहब के दिल दर्दमंद दिल रखने वाले कायदीन ने मिलजुल कर आजाद करा लिया, लेकिन मुल्क की जमीन आजाद होकर 50 बरस हो गए, मुल्क वालों के जमीर अब तक आजाद नहीं हो सके। बस ये एक जुमला हजरत ने फरमाया था, यही गौर करने का है, सोचने का है। मुल्क की जमीन आजाद हो गई, मुल्क वालों के जमीर अभी आजाद नहीं हुए हैं। मुल्क वालों के जमीर आजाद होने के लिए एक मुस्तकिल जुद्दोजहद और जंग हमें करनी है, और वो जुद्दोजहद और जिहाद जो मुल्क की जमीन की आजादी के बाद अब हमारा जिम्मेदारी बन गई, और इस मुल्क में रहने वाले हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले संजीदा समझदार फर्द की का फर्ज और जिम्मेदारी बन गई है, वो जिद्दोजहद वो जिहाद और वो जंग आजादी वो तलवार से और असलहा से नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि ये जंग आजादी जुबान व कलम से लड़ी जा सकती। हमारी तहजीब हमारे सामने आए, हिंदुस्तानी तहजीब को उजागर किया जाए, यहाँ की रवादारी का की बात की जाए, यहाँ की तहजीब के अंदर जो खुशनुमा पहलू हैं और इस गुलिस्तान तहजीब के जो खुशनुमा फूल हैं उसे सामने लाया जाए। एक तबका मुसलसल जिद्दोजहद उसको पीछे ढकेलने का कर रही है। यहाँ की तहजीब की रवादारी, बाहमी ताल्लुकात, आपस की मोहब्बतें, रंगारंग तहजीबों में मिलजुल कर जिंदगी गुजारना, प्यार और मोहब्बत से जीना, एक दूसरे के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देना और एक दूसरे के लिए दिले दर्दमंद अपने सीने के अंदर रखना, हर एक के दुख से अपने दिल में दुख महसूस होना और टीस लगना, ये इस मुल्क की कदीम तहजीब के गहवारे के अंदर मिलने वाली हकीकतें हैं, कदीम तहजीब की तारीख में मिलने वाली हकीकतें हैं, जिसको वापस लाना पड़ेगा। अगर ये वापस ना आवे तो फिर ऐसी सूरत में इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होगा, इस मुल्क के अंदर मिलजुल कर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। फिर
बंटवारे की बात होगी, फिर तकसीम की बात होगी, फिर नफरतों की बात होगी, फिर एक दूसरे से दस्तोगिरेबान होंगे, फिर एक दूसरे को देखकर खून खोलेगा। वो तहजीब लाने के लिए एक नाआकिबत अंदेश तबका तुला हुआ है, उसकी जुबान भी यही उगलती है और उसका जमीर भी यही कहता है और उसका कलम भी यही लिखता है और उसकी कोशिशें और तहरीकें और मिशन भी इसी रुख पर चलती। लेकिन अब भी मुल्क के अंदर जो समझदार लोग हैं, जिनकी आवाजों को दबा दिया जाता है, जिनके आर्टिकल्स और मजामीन नहीं पढ़े जाते, जिनकी आवाज दबाई जाती है और जिनके कलम को कोई जो है खराज तहसीन नहीं पेश करता, वो लोगों को चाहिए कि वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, एक अजीम तर जज्बे को लेकर एक ईसार और कुर्बानी के साथ आगे बढ़ें। ऐसे ही अफराद इस मुल्क को बचा सकते हैं और जमीर की आजादी दिला सकते हैं। और जब तक इस मुल्क में जमीर की आजादी हासिल नहीं होगी, उस वक्त तक जमीन की आजादी का जो फल है वो सब मिलकर चैन से नहीं खा सकते। ये हकीकत है जो इस मुल्क के अजीम सपूत ने और इस सरजमीन में इस मुल्क की तहजीब के एक अहम तरीन रुकन आजम ने हमारे सामने रखी। ये हमारे बड़ों की 70 साल तारीख पर नजर का निचोड़ और उसका इत्र है, उसको समझने की जरूरत है और उसको समझकर एक जिद्दोजहद फिर से करनी होगी। और ये जिद्दोजहद अगर जो लोग कर सकते हैं वो करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला कोई खतरा नहीं है और अमन उसी सूरत में है, सुकून उसी वक्त है और जो है हर किस्म के मजालिम से, अवामी मजालिम से और हर किस्म के मजालिम से अमन और सुकून उसी वक्त हासिल हो सकता है। यही हम चाहते हैं, यही मुल्क वाले चाहते हैं, यही हुकूमत करने वाले अपनी मांग बताते हैं, यही इंतजामिया चाहता है और यही कहता है। लेकिन इसके लिए शायद जो तरीका सही मानों में इस्तेमाल होना चाहिए तहजीबी सिफारतकारी का, वो तरीका अभी तक हमने शुरू नहीं किया है और उस तरीके को अमल दरामद नहीं दिया है। अगर ये तरीका जारी हो जाए और इसमें नफरतों की जगह मोहब्बतें आ जाएं और अलाहदगी पसंदी की जगह इज्तमाईयत आ जाए और उसके लिए हम अपने अपने मजहबों की सही मानों में कदरदानी करते हुए और अपने अपने मजहबों के साथ पूरा पूरा तसल्लुब और पुख्तगी का ताल्लुक रखते हुए मजहबों के दरमियान में खुश आइंद ताल्लुकात को कायम करना चाहें, कोई बड़ी बात नहीं। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, तारीख गवाह है कि सबसे पहला काम जो आपने फरमाया था वो कबाइल मदीने मुनव्वरा से ताल्लुकात को उस्तुवार करने का काम किया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो अमन मशन लेकर चले थे उसके तारीखी नुक्ते आज तक भी सीरत की किताबों में महफूज है। बनफ से नफीस जाकर खुद तशरीफ ले जाकर एक एक कबीले के सरदार से मुलाकात करके अमन की सूरत हाल बताकर उनसे उस पर दस्तखत ली थी और वफादारी के लिए आमादा फरमाया था। ये काम था जो नबी ने किया था और नबी के वारिसों को भी ये काम करना पड़ेगा। अगर हम ये काम करेंगे तो हालात के पसे मंजर और तनाजुर में एक मरतबा फिर हम सही मानों में आजादी और उसके फवायद को हासिल कर सकेंगे। जो कुछ आजादी हासिल मुसलमानों ने की, इंसानों ने की, इस मुल्क के बाशिंदगान ने की, इस मुल्क में बसने वाले इंसानों ने की है, उस पर आज के दिन अगर खुशी मनाई जाए तो खुशी मनाने का हक हासिल है। लेकिन ये आजादी का एक हिस्सा है, एक आजादी और चाहिए। सारी दुनिया के इंसानों को चाहिए और इस मुल्क के बाशिंदगान के तमाम कौमों को चाहिए, इस मुल्क में बसने वाले तमाम मजहबों को चाहिए, इस मुल्क में रहने वाले तमाम ख्यालात और नजरियात के हामिल लोगों को चाहिए। वो आजादी जमीर की आजादी है और इसके लिए एक दफे फिर संजीदा तबके को खड़े होकर हर तरह की कुर्बानी देकर उसे हासिल करना चाहिए। अगर जमीन के साथ जमीर भी आजाद हो जाएगा तो खुशी का वो दिन होगा इंसानों के वास्ते कि उस खुशी से बढ़कर कोई खुशी इस मुल्क में रहने वालों को हासिल नहीं होगी। अमन सबसे बड़ी चीज होती है, इस्लाम भी और दुनिया का हर कानून भी अमन को गारत करने वाले ही को सबसे बड़ा मुजरिम कहता है और अमन को सबसे बड़ी नेमत करार देता है। दुनिया का हर कानून भी और इस्लामी कानून भी
अमन को सबसे बड़ी चीज करार देता है। इस्लाम का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, इस्लाम तो सबसे बड़ा अमन का पैगंबर है और इस्लाम ही अमन का अजीम शान तसव्वुर लेकर आया है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कसम खाई अमन के सरजमीन की, अमन के रसूल की कसम खाई। अल्लाह ने हमारे नबी का नाम अल अमीन रखा। अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने अर्ज मुकद्दस मक्के मुकर्रमा जहां से इस्लाम की दावत का आगाज हुआ उसे बलदुल अमीन करार दिया और उसकी अल्लाह ने कसम खाई। और अल्लाह ने अमन की सरजमीन की कसम खाकर और अमानत वाले नबी की कसम खाकर इस दुनिया में अमन के अजीम तर तसव्वुर का नजरिया इस्लाम के जरिए दुनिया के इंसानों के सामने पेश किया है। इसलिए इस्लाम सबसे ज्यादा अमन का ख्वाहिशमंद और अमन का आलमबरदार है। लेकिन अमन के लिए मजहब की कुर्बानी कोई भी कानून तस्लीम कर सकता है, ना कोई अकल और ना कोई समझ तस्लीम कर सकती है। इसलिए मजहब के साथ पुख्तगी के साथ वाबस्तगी रखते हुए अमन को कायम करना हर मजहब वाले की जिम्मेदारी है। वो अपने मजहब की रोशनी में आजादी अकीदा रखता है कि वो जिस मजहब को चाहे अख्तियार करे। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने इस्लाम को नजात दहिंदा करार दिया और इस्लाम ही को आखिरी दीन तस्लीम किया और अल्लाह ने कयामत तक के इंसानों की कामयाबी इस्लाम पर चलने में करार दी, इस्लाम की तरफ पूरे बंदों को दावत दी, लेकिन इस्लाम को जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, यह है खैर का रास्ता और यह है शर का रास्ता, इसमें नजात है और इसमें नजात नहीं है। अब हम कहते हैं कि तुमको जो अकीदे की मैंने आजादी दी है, इस आजादी की रोशनी में तुम खुद जिसका जी चाहे ईमान लाओ और जिसका जी चाहे ईमान न लाओ और इनकार कर दो, वो तुम्हें आजादी है। लेकिन बताए देते हैं कि ईमान लाने में तुम्हारा भला है और न लाने में तुम्हारा नुकसान है। ये बताकर अल्लाह ने आजादी दे दी है, इससे बढ़कर कौन किसको आजादी दे सकता है? बंदों का पैदा करने वाला मालिक बंदों को आजादी दे रहा है इस जमीन के ऊपर, तो फिर आजादी का तसव्वुर इससे ज्यादा कहां किया जा सकता है। इसलिए आजादी का हकीकी तसव्वुर इस्लाम लाता है और वो समझाता है मुसलमानों को इस हकीकत को समझना चाहिए। और इसके लिए जैसे हमारे असलाफ किराम ने कुर्बानियां दी, अमन के क़याम के लिए हर किस्म की कुर्बानी दीजिए। इसलिए कि मजहब पर कायम रहना और मजहब की तबलीग व इशाअत करना और मजहब की तरफ इंसानियत को दावत देना अमन के ज़माने में मुमकिन होता है, बदअमनी और बेचैनी के ज़माने में नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हमारा असल मिशन मुतासिर होता है। इसलिए मुसलमानों को बिलखसूस भी चाहिए कि वो अमन व अमान और हर इंसान के हक दिलाने की कोशिश में अपना रोल अदा करे और अपना फर्ज पूरा करे। हमारे नबी ने एक जुमले में इस हक को सुना दिया इंसानियत के सामने, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानियत के लिए नाफिर साबित हो जाए और इंसानियत के लिए फायदा पहुंचाने वाला साबित हो जाए। हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया कि खैरुन नास मन यनफउल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों को फायदा पहुंचाए वो बेहतरीन आदमी है, ये नहीं फरमाया। रहमतुल लिल आलमीन सारे इंसानियत के लिए रहमत थे, इसलिए आपने फरमाया खैरुन नास मन यनफउल नास, बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों के लिए अपने आप को फायदा मंद साबित करे और इंसानियत के लिए अपने आप को नाफे बनाकर पेश करे, ये बेहतरीन इंसान है। और आपने फरमाया कि अल खल्क अयालुल्लाह फअहब्बुल खल्क इलल्लाह मन अहसन इला अयालिही, मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह को अपने कुंबे में सबसे महबूब वो बंदा है जो अल्लाह के कुंबे के साथ बेहतर सलूक करने वाला है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में भी इंसानियत के नफा रसानी की तालीम मुसलमानों को दी है। मुसलमान महदूद नजरिए का हामिल न बने, मुसलमान एक आफाकी निज़ाम को लेकर आया है और मुसलमान एक आलमी अमन की दावत को लेकर आया है। इसलिए मुसलमान अपने मजहब पर पुख्तगी के साथ कायम रहते हुए
सारी दुनिया की इंसानियत के लिए नफे का पैगाम और नफे का काम लेकर खड़ा हो जाए। जब वो नफे का पैगाम और नफे का काम लेकर खड़ा हो जाएगा तो अल्लाह उसकी भी मदद फरमाएंगे और उस मुसलमान की बरकत से सारी दुनिया की इंसानियत को भी नफा रसानी का अपना कानून और अपना वादा पूरा फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला शानहु अपने फजल व करम से हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपने नबी की सही तालीमात को समझें और इंसानियत के लिए अपने वजूद को सरापा रहमत व नफा बना दें। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।